अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूँ अबूबकर बहरिया टाउन कराची से। मैं प्रिसेंट 8 के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पे 250 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। और आज हम इसका जो करंट स्टेटस है डेवलपमेंट का और करंट जो इसकी मार्केट है उस चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे कि आज हमें जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और मतलब यहाँ पे ऐसी है कि तकरीबन अच्छी खासी यहाँ पे फैमिलीज़ भी मूव हो गई हैं, और कंस्ट्रक्शन का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी एक ऐसी स्ट्रीट जो है वो नज़र नहीं आ रही जहाँ पे घर नहीं बन रहा हो या घर बना ना हो या जहाँ पे जो है वो काम ना हो रहा हो। तकरीबन हर स्ट्रीट के अंदर, हर गली के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे आज घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो वाला फेज़ है बहरिया टाउन कराची का या प्रिसेंट्स का जो कि आज 100% पे कंप्लीट है, जहाँ पे मतलब इसका जितना भी इंस्टॉलमेंट वाला प्लान था या पेमेंट्स चल रही थी वो सारी 100% कंप्लीट हो गई हैं। और ये रुझान वो वाला है जो कि लोग बहरिया में मूव होना चाह रहे हैं, ये उसका सबूत जो है वो हमें सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह से तेज़ी से यहाँ पे घर बन रहे हैं। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे पोजीशन मिले हुए या यहाँ पे काम स्टार्ट होते हुए, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इसे तकरीबन कुछ 6-8 माह का या 1 साल का टाइम दे सकता हूँ। और 1 साल के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाना या घरों का बन जाना, ये बहुत ही एक हैरान कन चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे फैमिलीज़ भी मूव हो गई हैं, मतलब जो जो घर कम्प्लीट हैं लोगों ने अपनी फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर ली। आप ये फ्रंट वाले सामने 2 घर देख सकते हैं जिनमें फैमिली शिफ्ट हो गई है, उसके आस पास तकरीबन 4 से 5 घर ऐसे हैं जो कि फ़ाइनल फिनिशिंग पर चल रहे हैं, फाइनल स्टेज पे हैं। यहाँ पे काम जो है वो अच्छी खासी तेज़ी से हो रहा है, लोग अपने अपने घर बना रहे हैं। अच्छा, ये कुछ प्रेसेंट 8 का 2 तरह के पोर्शन है, ये बेसिकली फुटबॉल शेप में ये दिया गया प्रेसेंट है। और एक इसकी त्रिकोण ऐसी है जो कि बैरिया हाइट्स वाली साइड पे आ जाती है, और प्रेसेंट 10 ए वाली साइड आ जाती है, और ग्रैंड जामे मस्जिद वाली साइड आ जाती है। यहाँ पे इस टाइम मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ ये स्ट्रीट 1 है जो कि बैरिया हाइट्स वाली और प्रेसेंट 10 ए वाली साइड पर 10A के अंदर ऑलरेडी जो है वो फैमिलीज रह रही हैं क्योंकि विलास वहाँ पे कंप्लीट हैं, रेडी हैं, बैरियन उधर पोजीशन दे दी है और वहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में जो है वो फैमिलीज रह रही हैं। स्ट्रीट 1 पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और स्ट्रीट 1 के बिल्कुल सामने हमें रोड 1 नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आज के टाइम को लेते हुए प्राइसेस को डिस्कस करता हूं तो यहां पे हमें पहले भी मैक्सिमम प्राइस मिलती थी क्योंकि ये टॉप हाइट का एरिया है और ये हाइट्स वाली साइड पे ये वाला पोर्शन है प्रिसेंट 10A का जो कि अच्छा खासा पॉपुलेटेड पोर्शन है। यहाँ पे हमें हर स्ट्रीट के अंदर घर बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हमें घरों के अंदर फैमिलीज़ भी शिफ्ट हुई नज़र आ रही हैं जो कि हम देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। आप इजीली इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मैं अभी ट्रैवल भी उसी साइड पे कर रहा हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट का जो है वो काम अच्छा खासा हो चुका है या जहाँ पे लोग जो है वो मूव हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से क्वेरी आ रही है। और ये प्रिसेंट 8 ये 250 गज का बिल्कुल स्टार्ट वाला प्रिसेंट है प्रिसेंट 1 के बाद, जो कि मेन गेट के करीब भी है, जनाह एवेन्यू के करीब है, ग्रैंड जामे मस्जिद की बैक साइड है। लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छा प्रेसेंट है क्योंकि ये 250 गज का स्टार्ट वाला पहला प्रेसेंट है। और इसकी मैं प्राइसेस के हवाले से बात कर रहा था कि ये वाले जो पोर्शन में हमें पहले भी प्राइसेस ज़्यादा मिलती थी क्योंकि पहले भी यहाँ पर रेट ज़्यादा थे। आज भी अगर हम मैक्रंट मार्केट को लेके डिस्कस करता हूँ तो आज भी हमें तकरीबन यहाँ पे जो प्लॉट है नॉर्मल प्लॉट हमें तकरीबन 140, 145, 180, even 150 का भी यहाँ पर हमें रेट मिलता है। किसी कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाएँगे तो वो हमें मज़ीद मैक्सिमम प्राइस में मिलेगा जो कि 160 तक 165 तक भी चला जाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है ये मैच्योर प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी अब नहीं हम इसे कह सकते। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेके रखा जाए तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि ये कभी भी नीचे आने वाला प्रेसेंट नहीं है, डिमांडेड प्रेसेंट है जहाँ पर मतलब अच्छी खासी हमें डिमांड मिलती है प्लॉट्स के हवाले से या घरों के हवाले से भी अच्छी खासी डिमांड मिलती है। काम आपके सामने है जो यहाँ पर हो रहा है कि तकरीबन हर जगह पे घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है।
और इसका जो दूसरी साइड है, अगर हम वहाँ पे रेटों की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे तकरीबन 130 का भी रेट मिलेगा, 135 का भी रेट मिलेगा। इसमें एक थोड़ी सी चीज़ इस तरह से एडिशनल है कि इसका कुछ एरिया जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन वाली साइड पे है, जिस तरह मैं पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फुटबॉल शेप में जो है वो बनाया गया है, इस प्रेसेंट को थोड़ा सा मेंटेन किया गया है, और इसका कुछ एरिया ऐसा है जो कि थोड़ा सा मतलब 100% डेवलप नहीं, डिप्रेशन नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी ना वहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलती है। तो वहाँ पे बैरिया ने जितने भी ये डिप्रेशन वाले प्लॉट हैं या जो नीचे वाली साइड पर आते हैं उसमें ये कर दिया है कि उन घरों को बेसमेंट की परमिशन दे दी है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ऑफिशियली जो बैरिया का लॉ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बैरिया डाउन कराची के अंदर बेसमेंट सिर्फ 500 गज़ के प्लॉट के ऊपर अलाउ है, 500 गज़ के अलावा हमें कहीं भी जो है वो बेसमेंट नहीं मिलती। लेकिन प्रीसेंट 8 के अंदर या 250 गज़ के वो वाले प्रीसेंट जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डिप्रेशन है प्लॉट को लेते हुए, तो उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान आप जो है वो वहाँ पे बेसमेंट जो है वो दे सकते हो, अगर आपके प्लॉट गहराई वाली साइड पर आ रहा है, उसमें फिलिंग करने के बजाय आप उसमें बेसमेंट दे के तो उस अपने घर को जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे भी वही वाला सेम तरीका कार है कि ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन है, और बेडरूम साइज़ जो है वो अपने आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि आप 6 बेडरूम दे सकते हैं या आप 4 बेडरूम दे सकते हैं या 5 बेडरूम आपने देने, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो दे सकते हैं। ये कुछ वो वाले प्लॉट हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था कि यहाँ पे हमें बेसमेंट की भी परमिशन है। ये आप देख सकते हैं कि ये रोड लेवल से नीचे हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर खाई आ जाती है। तो इस तरह के जितने भी हमें यहाँ पे प्लॉट मिलेंगे प्रेसेंट 8 के अंदर या प्रेसेंट 6 के अंदर, किसी भी प्रेसेंट के अंदर 250 गज का प्लॉट है, तो वो अगर रोड लेवल से हमें नीचे मिलेगा तो उस पर हम जो है वो बेसमेंट भी बना सकते हैं एज़ पर बैरिया लॉ। बैरिया इस चीज़ पे हमें जो है वो ऑन करता है कि आप जो है वो अपना डिप्रेशन वाले प्लॉट पे जो है वो बेसमेंट बना सकते हैं। तो बेसमेंट के बाद फिर आपका ये जो घर है ये बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 1 आ जाता है, मतलब 3 पोर्शन जो है हम इसमें फिर कर सकते हैं। इसका ये वाला भी कुछ ऐसा एरिया जो कि अशर फाउंटेन वाली साइड पे आता है, वो भी हमें थोड़ा सा डिप्रेशन की सूरत में जाके मिलता है, जो कि रोड लेवल से प्लॉट अच्छे खासे नीचे हैं। प्राइस जो है वो इसकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इस प्रेसेंट को आज लेके डिस्कस करना, इसका लेटेस्ट स्ट्रीट टूर देना बहुत ज़रूरी था। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी और बहुत टाइम जो है वो पहले इसका टूर दिया गया था, तो आज मैंने इसका हाउस स्ट्रीट टूर देना ज़रूरी समझा है। ये सामने इसका बैरी हिल्स वाली साइड है और अशर फाउंटेन वाली साइड है। ये वाली साइडें भी हमें प्लॉट्स की वो थोड़ी सी डिप्रेशन वाली साइड पे जाके मिलती है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। जजाकल्ला।